Now next C program based on string word operations. Previous session मैंने string से related सारे के सारे operations perform कराए थे based on with respect to single character operations. लेकिन इस केस में single character operation perform ना कराए, just perform क्या कराना है? Group of character operation or we can say word operations. इस केस में just perform कराना है. अगर आपके पास कोई भी given string available है, इस string के अंदर अगर आपको कोई भी sub string search करना है, sub string का first occurrence search करना है, तो इस problem को solve करेंगे. Read this program. Write a C program to find first occurrence of a word in a string. Means previous case में search क्या करा था? Single given character का occurrence. लेकिन इस case में character given है, word given है, word. Means word को again search case में कराना inside given string. We want to searching first occurrence. Means which occurrence? हो सकता है आपके पास कोई particular word available है. For example, like we are having string as corporation. इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के केस में जस्ट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के केस में जस्ट मुझे सब स्ट्रिंग सर्च करना एज अ ओ आर. इस केस में सब स्ट्रिंग क्या है? एस ओ आर. तो ओ आर के रिस्पेक्ट में आते हैं. जब ओ आर को इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में आप सर्च करना स्टार्ट करोगे तो ओ आर के टोटल इस स्ट्रिंग के अंदर मेनली टू ऑक्रेंसेस अवेलेबल. ओ आर जस्ट इस केस में रिपीट कितनी बार हुआ? टू टाइम्स. अगर इनके इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्स वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. इस केस में जस्ट ओआर का फर्स्ट ऑक्रेंस किस इंडेक्स में अपीयर हुआ है? 1. और इसके सेम एज ओआर का सेकंड ऑक्रेंस और लास्ट ऑक्रेंस किस इंडेक्स में अपीयर हुआ है? इंडेक्स वैल्यू 4. मींस अगर आपको इस केस में ओआर का अगर फर्स्ट ऑक्रेंस प्रोवाइड करना है तो फर्स्ट ऑक्रेंस के रिस्पेक्ट में रिटर्न क्या होना चाहिए? इंडेक्स वैल्यू एज 1. सेम एज अगर आपको लास्ट ऑक्रेंस के लिए प्रोग्राम दिया गया देन लास्ट ऑक्रेंस की केस में ओआर का लास्ट ऑक्रेंस के अकॉर्डिंग इंडेक्स वैल्यू का रिटर्न होना चाहिए इस केस में जस्ट 4. दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो करेंटली मुझे मैनेज क्या करना ओनली फर्स्ट ऑक्रेंस. इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में बात करना मीन्स जस्ट वर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड में नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में जस्ट आपको 25 to 30 प्रोग्राम्स प्रोवाइड करूँ जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे जाते हैं. क्लियर? मीन्स रिगार्डिंग वर्ड ऑपरेशन स्पेशली फॉर वर्ड ऑपरेशन. मीन्स वर्ड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में टोटल कितने प्रोग्राम मैनेज करें? 25 to 30 प्रोग्राम. इन प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में जस्ट आपके लिए फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट वीडियो आपके लिए रिमेनिंग प्रोग्राम्स के लिए वर्क करेगा एज अ बेस वीडियो और बेस लेक्चर. मीन्स अगर आपको ये करंट लेक्चर क्लियर नहीं देना आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, देन आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम्स और नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स इजिली समझना पॉसिबल. प्लस इस वीडियो को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके लिए प्रॉब्लम इजिली समझना पॉसिबल हो. प्लस इस केस में अभी तक मैंने किसी भी एग्जांपल के केस में फ्लोचार्ट डायग्राम प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँगा? व्हाट इज प्रॉब्लम. मीन्स आपको जस्ट एग्जैक्टली परफॉर्म क्या कराना है यूजिंग एग्जाम्पल. पहले प्रॉब्लम एक्सप्लोर करूंगा. प्रॉब्लम एक्सप्लोर करने के बाद जस्ट प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में इंप्लीमेंट क्या करेंगे? जस्ट लॉजिक्स. लॉजिक्स इंप्लीमेंटेशन की जस्ट बाद देन फ्लो चार्ट डायग्राम और फ्लो कंट्रोल डायग्राम. फ्लो चार्ट डायग्राम इसे जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूशन फ्लो जिससे आपके लिए लॉजिक्स इजिली राइट करना पॉसिबल. देन फाइनली राइट डाउन क्या करोगे? कोडिंग और सोर्स कोड. मीन्स फाइनली इस प्रॉब्लम को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है. ये चारों के चारों स्टेप्स 1 by 1 कंप्लीट करेंगे. क्लियर? देन इस केस में जस्ट प्रोग्राम को सबसे पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लोर करूंगा. प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में सपोज दैट आपके पास कोई भी गिवन स्ट्रिंग अवेलेबल है लाइक दैट यू आर हैविंग स्ट्रिंग एज हेलो देन पोलो. मीन्स दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग. इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर मुझे सर्च क्या कराना? फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ स्ट्रिंग एलो. तो इस केस में एलो क्या है? सब स्ट्रिंग. और हेलो पोलो के इस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग. देखा जाए तो एलो के इस केस में टोटल ऑक्रेंसेस कितने? देयर आर 2 ऑक्रेंसेस. लेकिन इस केस में जस्ट एक्सप्लोर क्या करना है? फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ गिवन सब स्ट्रिंग. फर्स्ट ऑक्रेंस के रिस्पेक्ट में बात करें उसका इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस केस में टोटल इंडेक्स क्या है? मीन्स फर्स्ट ऑक्रेंस के केस में बेस इंडेक्स क्या है? बिगिनिंग इंडेक्स है 3. और सेकेंड ऑक्रेंस के केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या है? जस्ट 7. मीन्स इस केस में अगर आपको लास्ट ऑक्रेंस पूछा जाता है देन इसके लास्ट ऑक्रेंस के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या हुआ? इस केस में 7. और फर्स्ट ऑक्रेंस के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या होना चाहिए? 3. तो करंटली मैं एक्सप्लोर क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट ऑक्रेंस. जस्ट नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट ऑक्रेंस. क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में जस्ट आप प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व करोगे? मीन्स अगर आपका जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग गिवन है इसके लिए मैं स्ट्रिंग डायग्राम्स क्रिएट कर रहा हूँ. इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने? 9 प्लस एक और कैरेक्टर क्या रहेगा इस केस में? नल. सबसे पहले
फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए मैं सिंपली मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेमोरी एलोकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने फाउंड हो रहे हैं, एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स। 10 कैरेक्टर्स के लिए जस्ट मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करेंगे। देन इस केस में जस्ट कैरेक्टर्स क्या आसान हुए, हेलो एच ई एल एल ओ एंड पोलो पी ओ एल ओ एंड फाइनली टर्मिनेट किससे हुआ, नल से। सम बेस एड्रेस एज 100 101 102। करेंटली देख रहे हैं तो इस केस में एड्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इसलिए मैं एड्रेस को हाईलाइट नहीं कर रहा। जस्ट इंटरेस्टिंग केस क्या आपके लिए, इंडेक्सेस। तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लस ए स्ट्रिंग एज्यूम कर लो करेंटली रिप्रेजेंट किस हो रहा है, सम पॉइंटर और एरे नेम एज ए। क्लियर, नेक्स्ट वन। इसके अलावा आपके पास सब स्ट्रिंग क्या है, सर्चिंग स्ट्रिंग क्या है, एल ओ। तो एल ओ के केस में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 प्लस टर्मिनेट किससे हुआ, नल से, एल ओ। देन इस केस में एल ओ का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 1 एंड 2। इस एरे का एड्रेस किसके पास है, समथिंग पॉइंटर वेरिएबल बी। मीन सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को हाईलाइट करूंगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे क्या रहेगा, देन इसके बाद जस्ट लॉजिक सिंप्लीमेंट करें। इस केस में दोनों ही केस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, जो भी एरे गिवन है इस एरे के एलिमेंट्स सारे के सारे आपको एलिमेंट्स विजिट कराना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मीन 0 to 9। 9 इस केस में एज्यूम कर लो एज लेंथ। 9 क्या इस केस में जस्ट लेंथ, मैं 9 को जस्ट रिप्रेजेंट किस कर रहा हूँ, एन से। एन मीन्स फॉर एनी लेंथ, मीन्स लेंथ क्या है इसका, एग्जैक्टली 10। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 10 और 9, 9 मीन्स एन माइनस 1। एन क्या है इस केस में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज 10। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट जब एरे ए को विजिट करो तो एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट विजिट किससे करा है, मैच किससे करा हुए, एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से। क्लियर, मीन्स अगर मीन्स एल ओ इसके अंदर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, देन एल ओ के दोनों के दोनों कैरेक्टर्स में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन मैचिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर। मीन्स एरे ए को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करोगे, लेफ्ट टू राइट सारे के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग बी के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करना स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट कैरेक्टर मैच होगा देन ओनली आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मैच करने की नीड है। सपोज दैट अगर फर्स्ट कैरेक्टर मैच नहीं होगा, देन इस केस में आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मैच करने की नीड है क्या, नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में एरे ए के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एच, और एरे बी के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एल, मीन्स डायरेक्ट मैचिंग। अगर एक कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है देन एरे ए के केस में अब जीरो इंडेक्स को मैच ना करा कि मैच किसको कराएंगे, इंडेक्स वैल्यू 1। ये इंडेक्स किसके थ्रू मैनेज करें, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल आई। सेम एज एरे बी के इंडेक्स को मैच करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वाई यूजिंग जे। जे के केस में इनिशियल वैल्यू क्या इसका, 0। आई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या था, जस्ट 0। जे का वैल्यू अभी भी क्या है, 0। मीन्स फर्स्ट केस में भी फर्स्ट कंपेरिजन में आई का वैल्यू क्या था, 0, और जे का वैल्यू क्या था, ऑल्सो 0। लेकिन जैसे सेकेंड कंपेरिजन हुआ तो आई के केस में क्या हो चुका है, प्लस प्लस। लेकिन अभी जे में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि आई का फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं होता, नेक्स्ट एलिमेंट भी अगेन मैच कैसे करा हुआ है, जे के फर्स्ट एलिमेंट से या बी एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से। अगेन नेक्स्ट टाइम मैच करेंगे, चेक करो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट से अगेन मैच कराएंगे। मीन्स ए का कौन सा फर्स्ट और नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट। लेकिन जबकि बी एरे का अभी भी कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। तो अगेन ये मैच हो रहा है क्या, नहीं, मैचिंग फेल। इस मैचिंग फेल्ड हो रहा है नेक्स्ट टाइम, अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अभी तक जे में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आई के केस में कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट भी अगेन मैच किससे कराएंगे, अगेन सेम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे बी। चेक करो उस केस में एल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल मैच हो रहा है। मीन्स मैचिंग कैसा है, सक्सेस और फेल्योर। फर्स्ट केस में क्या था, फेल्योर। लेकिन थर्ड केस कैसा है, वैलिड। अगर थर्ड केस वैलिड है देन इसके केस में जस्ट आप परफॉर्म क्या करा हुए, आई में तो इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ, क्योंकि आई के केस में नेक्स्ट में अगेन आप मैच क्या कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। लेकिन आई का नेक्स्ट एलिमेंट अगेन बी, सॉरी ए का नेक्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच करा हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट से। मीन्स जस्ट प्रीवियस एलिमेंट ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो चुका है, मीन्स एल एल से मैच चुका है, आपको मैच क्या करना है, ओ। नेक्स्ट टाइम ए का नेक्स्ट एलिमेंट मैच किससे कराएंगे, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बी।
तो इस केस में आई में तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन इस केस में जैसे ये मैचिंग फाउंड हुआ तो देन मैचिंग के केस में जे में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, तभी तो जे के मीन्स एरे बी के केस में आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट हुआ। तो इस केस में प्रीवियस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, इंक्रीमेंट इन जे, तो जे का वैल्यू क्या हो चुका है 1, तो इसलिए, और आई का वैल्यू क्या है 3, तो आई का ए का थर्ड एलिमेंट जे के फर्स्ट इंडेक्स से मैच करा हुआ, देन चेक करो मैच हो रहा है क्या, नहीं। मीसे मैचिंग कैसा है, इनवैलिड, चेक इट। अगर ये एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है देन इमीडिएटली, लेकिन एल चेक करो, एल ओ इसके लिए वैलिड पैटर्न है, एल अगर ओ से मैच नहीं हो रहा देन एल अगेन किससे मैच करा हुआ, फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराने के लिए अगेन मीन से फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीन से फर्स्ट एलिमेंट मीन से नॉन मैचिंग फाउंड होता है, एक बार मैचिंग स्टार्ट होगा उसके बाद कोई भी अगर नॉन मैचिंग फाउंड होता है देन अगेन सेकेंड केस में फिर से इसको मैच किससे कराएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट में अगेन ही मैच हो रहा है, अगेन मैच हो रहा है देन अगेन नेक्स्ट एलिमेंट किससे मैच कराओगे, नेक्स्ट एलिमेंट से, क्लियर। तो इस केस में एल भी मैच हो चुका है, ओ भी मैच हो चुका है, इसके लिए जस्ट मैं इंक्लूड देन नेक्स्ट टाइम ओ अगेन मीन से फर्स्ट टाइम एल मैच हुआ देन सेकेंड टाइम अगेन ओ, इसका वैल्यू क्या हो चुका हुआ 1, अगेन नेक्स्ट टाइम 1, प्लस इस केस में अभी भी क्या है 4, 4 किससे मैच हुआ 1 इंडेक्स से, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा, सॉरी जे में इंक्रीमेंट कराओ तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 2, और 2 में क्या नल, जैसे इस केस में जे जैसे ही नल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा देन इमीडिएटली आप रिटर्न क्या करा दोगे, सर्चिंग प्लेस का बिगिनिंग इंडेक्स, बिगिनिंग इंडेक्स क्या है जस्ट सॉरी 3, तो इस केस में रिटर्न क्या हो जाएगा जस्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू एज 3, क्लियर। इसके लिए अगर फ्लोचार्ट डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें, इस करेस्पॉन्डिंग फ्लोचार्ट डायग्राम क्या होना चाहिए, फ्लोचार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग जस्ट मैं स्मॉल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस केस में, इन दैट केस ये सबसे पहले आपको एक लूप मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन इस लूप को आप टर्मिस लूप को मैनेज करने का जस्ट पर्पज क्या है, रीडिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू एन माइनस वन, सपोज दैट एन क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको मैनेज कहां से कराना है, रीड एरे ए फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन इंडेक्स, फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन इंडेक्स। इस केस में जस्ट मैं फ्लोचार्ट डायग्राम भी कंप्लीट कर रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कोडिंग भी राइट कर रहा हूं, तो कोडिंग के रिस्पेक्ट में जब इसके लिए फंक्शन इंप्लीमेंट करोगे तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको लूप क्रिएट कराना, फंक्शन के केस में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 इनपुट्स ओरिजिनल स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, देन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लेंगे, मीन्स रिटर्न क्या हुआ, सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स, और सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स या किसी भी एरे के अंदर इंडेक्स का टाइप क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर, इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लेंगे एज इंटीजर, फंक्शन नेम एज वी आर यूजिंग एज सर्च, देन फर्स्ट आर्गुमेंट मीन्स दोनों ही आर्गुमेंट कैरेक्टर एरे टाइप के पास होना है, इसलिए आर्गुमेंट टाइप का यूज करेंगे कैर स्टार ए कैर स्टार बी। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आपको टू एरे मैनेज करने, टू एरे को मैनेज करने के लिए टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है आई एंड जे, तो नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर आई कॉमा जे। नेक्स्ट वन मीन्स अब इस फ्लोचार्ट डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करो, फ्लोचार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग रीड एरे ए फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, मीन्स एन माइनस वन क्या होगा अपने आप में नल, ऑक्रेंस ऑफ नल, मीन्स जीरो से नल तक आपको ये सारे के सारे एलिमेंट विजिट करना है, इसलिए आई का इनिशियलाइज में किससे करा हुई जीरो से, कब तक मैनेज करना है जब तक नल फाउंड नहीं हो जाता, मीन्स वाइल ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल होगा देन अल्टीमेटली ये लूप कैसा हो जाएगा फॉल्स, क्लियर। देन नेक्स्ट वन, देन लूप के केस में आपको याद हो अगेन लॉजिक से इंप्लीमेंट करने के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले इसके अंदर जस्ट मैंने परफॉर्म क्या कराया था, अगेन मैं फिर से स्टार्टिंग से इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, दिस द इनिशियल प्लेस, मीन्स इस केस में फाइनली टू वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, वेरिएबल आई एंड वेरिएबल जे, आई एंड जे, देन आई और जे के रिस्पेक्ट में आई का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ है जस्ट करेंटली लूप के केस में आई में कैसा हो रहा है जीरो, क्लियर, लेकिन जे में अभी कोई वैल्यू साइन हुआ है, जे का भी इनिशियलाइजेशन में परफॉर्म करा रहा हूँ, जे इज ऑल्सो जीरो, आप यह लूप के अंदर भी राइट कर सकते हो आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा जे इक्वल टू जीरो, तो मीन्स आई और जे दोनों में क्या साइन कराना है इनिशियली जीरो जीरो। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद ए ऑफ आई और एरे ए के फर्स्ट एलिमेंट को मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ना रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करोगेगा आईथ एलिमेंट, आईथ एलिमेंट फर्स्ट टाइम मैच किससे हुआ, एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से, मैचिंग
इसे लूप जब तक चल रहा है, लूप चलेगा तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ लूप इज ट्रू, लूप का कंडीशन ट्रू है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट से जस्ट मैं ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ट्रू होने के केस में आप मैच क्या कराओगे, इनसाइड बॉडी ऑफ लूप ए ऑफ आई को एरे के बी, एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराओगे अगेन इफ कंडीशन, क्लियर। इफ कंडीशन क्या रहेगा, जस्ट ए ऑफ आई इक्वल इक्वल बी ऑफ जीरो, बी ऑफ जीरो, और सिंपली वी कैन से बी ऑफ जे, क्लियर। दोनों का मीनिंग कैसा सेम, कि इनिशियली आप चेक कर सकते हो फर्स्ट टाइम जे का भी वैल्यू जीरो और आई का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो जीरो। तो इस केस में ए जीरो मैच किससे हुआ, बी जीरो से, ए जीरो में क्या है एच और बी जीरो में क्या है एल, मीन्स फॉल्स। अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड करना है, टू द लूप, टू द लूपिंग स्टेटमेंट, इसे लूप में कब सेंड होगा, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन अगेन लूप कंटिन्यू हुआ। लेकिन दूसरा पॉसिबल केस क्या है, दिस कंडीशन मे बी ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इस लूप के अकॉर्डिंग आई में तो एवरी टाइम इंक्रीमेंट हुआ ही हुआ, क्योंकि ये लूप जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया दैट काइंड। तो इस केस में इस इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे लाइक दैट, इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू बी ऑफ जीरो, मीन्स जस्ट अभी कंडीशन क्या है ट्रू और फॉल्स, अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन नेक्स्ट कंडीशन अगेन इंप्लीमेंट करेंगे, मीन्स लूप के लिए डायरेक्टली सेंड ना करके, इस फर्स्ट केस में डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ, देन बाद में इसको मैं चेंजेस कराऊंगा जिससे आपके लिए लॉजिक ईजी वे में समझना पॉसिबल। नेक्स्ट टाइम अब एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट आई में, मीन्स जब कंट्रोल लूप में जाएगा तो आई में क्या होगा इंक्रीमेंट, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, देन नेक्स्ट टाइम ए ऑफ वन मैच किससे हुआ अगेन बी के फर्स्ट एलिमेंट से, क्लियर। अगेन ये लूप चलेगा तो लूप के किस में तो लूप कब तक चलेगा एंड तक, मीन्स अगेन फिर से सेम मैचिंग परफॉर्म हो रहा है बी जीरो के साथ, ए ऑफ आई किससे मैच हो रहा है बी जीरो से। नेक्स्ट टाइम चेक करो ई मैच हुआ है क्या, नहीं ई भी मैच नहीं हुआ, देन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, देन इस एरमिस सेकेंड मैचिंग कैसा फॉल्स। नेक्स्ट टाइम ए ऑफ टू मैच किससे हुआ अगेन फर्स्ट एलिमेंट, चेक करो इस केस में ए ऑफ टू बी जीरो से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है। इस सेकंड केस में कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने के केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, मीन्स आई का वैल्यू क्या हो चुका है टू, तो सेकंड एलिमेंट अगर फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है देन एरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट से मैच होगा नेक्स्ट एलिमेंट से मैच होगा, अगर ये एल मैच हो चुका है तो मीन्स एल मैच हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम मैच क्या कराना है ओ, मैं ओ का फाउंड हो रहा है सेकंड प्लेस पर, तो नेक्स्ट टाइम सेकंड एलिमेंट से मैच कराओगे, और एरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट एरे बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कराएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन, और वन रिप्रेजेंट करने के लिए मीन्स जे का वैल्यू क्या था जीरो, तो इस केस में वन रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे इंक्रीमेंट इन जे, प्रीवियस केस में जे का वैल्यू क्या था जीरो, तो इस प्लेस पर एवरी टाइम प्रोवाइड क्या करेंगे जस्ट जे, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। देन जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होने के जस्ट केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, रिक्वायर्ड क्या है एरे बी का नेक्स्ट इंडेक्स, और नेक्स्ट इंडेक्स क्या इंक्रीमेंट कराओगे तो वन, मीन्स इस केस में परफॉर्म क्या कराना है ट्रू होने केस में जस्ट जे प्लस प्लस, परफॉर्म क्या कराना है जे प्लस प्लस इन दैट प्लेस। जैसे इस केस में जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी डायग्राम में जस्ट वन, क्लियर इट। नेक्स्ट वन जे प्लस प्लस होने के जस्ट बाद अगेन परफॉर्म क्या कराना है, लेकिन प्रीवियस केस में कंडीशन कैसा था फॉल्स, अगेन आप इसको कंटिन्यू करोगे देन जिससे अदर कंडीशंस निकालना पॉसिबल हो, मीन्स अभी भी ये लॉजिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और ना ही ये डायग्राम कंप्लीटेड है, मीन्स ये इनकम्प्लीट केस है। नेक्स्ट टाइम अगेन इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, मीन्स जे प्लस प्लस होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड करोगे अगेन टू द लूप, लूप में सेंड हुआ तो अगेन क्या हुआ आई प्लस प्लस, वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, क्योंकि आई का थर्ड एलिमेंट बी के नेक्स्ट एलिमेंट्स मैच कराना, तो आई के पास क्या थ्री और जे के केस में क्या वन, तो थर्ड इंडेक्स मैच केस को वन इंडेक्स है, तो अगेन ये मैच हो रहा है क्या, ये नेक्स्ट केस में मैचिंग कैसा है ट्रू और फॉल्स जस्ट फॉल्स। नेक्स्ट टाइम जब अगेन मैच होगा तो अगेन मैच होने के केस में चेक कर सकते हो आई का वैल्यू क्या है थ्री और जे का वैल्यू क्या है वन, तो ए ऑफ थ्री मैच केस होगा बी ऑफ वन से, और ए ऑफ थ्री में क्या है एल और बी ऑफ वन में क्या है ओ, मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। इफ कंडीशन अगर फॉल्स है नेक्स्ट टाइम, तो इफ कंडीशन फॉल्स होने के केस में
जस्ट अब आप चेक क्या करोगे, मीन्स ये एल अगर लास्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा, लेकिन देखा जाए तो लेकिन एल फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट से मैच हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से मैच सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा है, देन सेम एलिमेंट ए ऑफ आई मैच किससे कराएंगे, जीरो से। नेक्स्ट अगेन एक और कंडीशन प्रोवाइड करें इस केस में, इन दैट केस जैसे इस केस में कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में राइट डाउन करेंगे वन मोर इफ कंडीशन। वन मोर इफ कंडीशन क्या हुआ, एल्स इफ के फॉर्म में। एल्स इफ के केस में नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मीन्स इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू, मीन्स इस केस में क्या था जे, नेक्स्ट टाइम किससे मैच करा वो बी ऑफ जीरो। देन अगर ये बी ऑफ जीरो से मैच हो रहा है, देन अगेन एल्स इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू बी ऑफ जीरो, मीन्स इस केस में जस्ट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, अगर एरे ए का नेक्स्ट एलिमेंट एरे बी के नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा है, देन इसको सेम नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स सेम एलिमेंट को अगेन फिर से मैच कैसे कराएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे ही नॉन मैचिंग फाउंड होगा एवरी टाइम नॉन मैचिंग के जस्ट बाद सेम एलिमेंट फिर से कंपेयर कैसे कराओगे, फर्स्ट से, क्यों चेक कर सकते हो एल ओ एल ओ से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, क्लियर। अगर आप इसको मैच ने फर्स्ट से मैच नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट से मैच कौन होगा, ओ, तो ये केस कैसा है, इनवैलिड। इसको वैलिड बनाने के लिए अगेन सेम एलिमेंट मीन्स पहले ए ऑफ आई किससे मैच हुआ, बी ऑफ जे से, बी ऑफ जे के केस में जे का वैल्यू वन था, मीन्स कंडीशन फॉल्स। अगर बी ऑफ जे से मैच नहीं हो रहा है देन इसको अगेन किससे मैच कराओगे, बी ऑफ जीरो। अगर बी ऑफ जीरो से मैच हो रहा है देन अगेन फिर से सेम टास्क परफॉर्म कराना, क्या लेकिन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, बी ऑफ जे के केस में जस्ट मीन्स ए ऑफ आई का करेंट प्लेस, अगर बी जीरो से मैच हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई आप मैच किससे कराओगे, बी जीरो से। अगर ये पर्टिकुलर मैच सक्सेस है नेक्स्ट टाइम मैचिंग किससे कराएं, बी जीरो से या बी वन से, बी वन से। तो इस केस में जस्ट और इस प्लेस पर क्या आएगा, आई प्लस वन, वो आई प्लस वन के केस में कंडीशन ट्रू होने के केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस। तो इस केस में आई में तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर आ रहा है आपको। नेक्स्ट टाइम मैच भी क्या कराना, मीन से मैच हो चुका है तो मैच भी कैसे कराना, फोर, तो इसलिए आई में क्या करा है, प्लस प्लस। लेकिन जे में क्या एक्सपेक्टेड है, मीन्स आई का वैल्यू फोर है, फोर्थ इंडेक्स कैसे मैच होगा, फर्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट से, तो इसलिए मीन्स वन से। तो वन को बनाने के लिए जस्ट जे में क्या कराएंगे, जे का वैल्यू डायरेक्टली क्या असाइन करा दोगे, एग्जैक्टली वन, क्लियर। कि हमको बी जीरो ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है, नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे कराना, बी वन से, और आई प्लस वन का, तो आई प्लस वन तो आई प्लस प्लस से हो जाएगा, देन बी का जे का वैल्यू क्या असाइन किया मैंने, एग्जैक्टली वन, क्लियर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वन, इस केस में नेक्स्ट टाइम ए ऑफ फोर और जे में क्या असाइन हो चुका है, अगेन वन। देन नेक्स्ट टाइम ये मैच होगा देन कंडीशन कैसा है, ट्रू ट्रू है, तो फिर से परफॉर्म क्या हुआ, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ए ऑफ आई के केस में आई का वैल्यू क्या है, जस्ट फोर, और बी ऑफ वन का जे का वैल्यू क्या है, वन। फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट वन इंडेक्स से मैच होगा, मीन सक्सेसफुली मैच हो रहा है, मीन फर्स्ट भी मैच हो चुका है, सेकेंड भी मैच हो चुका है, मीन से एलिमेंट्स कंप्लीटली मैच हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इस लॉजिक में ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि मीन से कंप्लीट मैच हुआ है कि नहीं हुआ, तो कंप्लीट मैच टेस्ट करने के लिए अगेन फिर से आप टेस्ट क्या करोगे, आई प्लस प्लस, देन इस केस में जस्ट परफॉर्म किया, मीन ओ मैच हुआ तो ओ के रिस्पेक्ट में फिर से परफॉर्म क्या हुआ, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस हुआ, इसे कंडीशन टू है तो टू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट टू। जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। टू होने के केस में नेक्स्ट टाइम वन मोर इफ कंडीशन, में से एक और केस है, जब तक प्रीवियस केस में नॉन मैचिंग फाउंड हो रहा था तो उस केस में आपने जे का वैल्यू क्या बनाकर रखा था, जीरो। तो जब भी ये इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ देन उस केस में इंप्लीमेंट क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में जे का वैल्यू इनिशियलाइज किससे कराओगे, रीसेट कर दोगे, जीरो, क्लियर। इन विच केस सबसे पहले फर्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, फर्स्ट इफ के केस में टू केस थे, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इफ का कंडीशन ट्रू है देन जे प्लस प्लस, फॉल्स है देन अगेन सेकंड कंडीशन टेस्ट हुआ, ए ऑफ आई इक्वल इक्वल बी ऑफ जीरो। अगर सेम इस केस में दो केस हैं ट्रू और फॉल्स, अगर ये ट्रू है देन इस केस में अगेन क्या परफॉर्म कराना है, ट्रू होने केस में जस्ट जे को किससे इनिशियलाइज करना है, एज अ वन। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में जे में क्या असाइन करा हुआ, एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग जे का वैल्यू सेट कर देंगे एज अ जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन सभी केसेस के टेस्ट होने के बाद फाइनली देन नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो करेंटली जे का वैल्यू क्या है, टू, बिकॉज ऑफ जस्ट इंक्रीमेंट। इसके जस्ट बाद
मीन्स आप चेक कर सकते हो मीन्स प्रीवियस दोनों ही कैरेक्टर मैच हो चुके, लेकिन ये लॉजिक्स के थ्रू कैसे पता चलेगा कि दोनों ही कैरेक्टर मैच हुए कि नहीं हुए। जैसे ही जे इंडेक्स और जेथ इंडेक्स नल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर जे नल तक रीच हो चुका फर्स्ट टाइम, जे कहाँ सेट था जीरो पर, नेक्स्ट टाइम वन पर, अब करेंटली जे का वैल्यू क्या है टू, जे किस को रिप्रेजेंट कर रहा है नल को, जैसे ही जे नल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा इसका मतलब क्या है मीन्स मैचिंग कंप्लीटली फाउंड हो चुका। तो इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए बी ऑफ जे को एवरी टाइम मैच किस कराएंगे नल से। अगेन नेक्स्ट वन, इन तीनों ही कंडीशंस के जस्ट बाहर तीनों ही केसेस मीन्स कोई सा भी डायरेक्शन एग्जीक्यूट हो, लाइक दैट, इन तीनों को मैंने सिंगल प्लेस पर मिला दिया। नहीं, सिंगल प्लेस पर अगेन इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, और इफ कंडीशन फाइनली आपको प्रोवाइड किया करेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैचिंग इज फाउंड और नॉट। उस केस में टेस्ट क्या करेंगे, इफ बी ऑफ जे बिकम्स नल, अगर बी ऑफ जे का वैल्यू नल हो चुका है देन इस केस में आप रिटर्न क्या करा दोगे, मीन्स अगर ये नल हो चुका है चेक कर सकते हो इस केस में बी ऑफ जे क्या है नल हो चुका है, इसका मतलब क्या प्रीवियस टू कैरेक्टर्स या सारे के सारे कैरेक्टर ऑलरेडी मैच हो चुके हैं, देन इमीडिएटली जिस प्लेस से मैच होना स्टार्ट हुआ उस प्लेस का आपको इंडेक्स रिटर्न कराना। तो इस केस में रिटर्न क्या कराओगे, इसे कंडीशन अगर ट्रू होता है, ट्रू होने के केस में जस्ट रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न इंडेक्स ऑफ सर्चिंग प्लेस, सर्चिंग प्लेस का करंटली इंडेक्स क्या है थ्री, लेकिन आपको एक्सप्रेशंस के फॉर्म में राइट डाउन करना है। एक्सप्रेशंस के फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए चेक कर सकते हो इस प्रीवियस केस में जस्ट एक कंडीशन टू था तो जे में तो इंक्रीमेंट हो चुका, लेकिन अभी आई में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या, नहीं, तो आई में इंक्रीमेंट राइट डाउन करने के लिए जस्ट राइट क्या कर सकते हो आई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू आई प्लस 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 आई का करेंट इंडेक्स जे के करेंट इंडेक्स से आपको सब्ट्रैक्ट कराना माइनस जे, दिस इज द रिटर्न वैल्यू। तो इस केस में जस्ट अगेन वन मोर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ बी ऑफ जे इक्वल इक्वल नल, अगर बी ऑफ जे का वैल्यू नल के इक्वल है देन इस केस में रिटर्न क्या करा देंगे डायरेक्टली रिटर्न आई प्लस वन माइनस जे, क्लियर दैट वन। जैसे जैसे वैल्यू रिटर्न होगा देन कंट्रोल कहाँ जाएगा कॉलिंग प्लेस पर, लेकिन दूसरा केस क्या है इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड करना है आई प्लस प्लस पर, और आई प्लस प्लस कहाँ फाउंड हो रहा है लूप में। तो इस केस में कंडीशन फॉल्स होने के केस में मीन्स इस केस में ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, देन इसके लिए अप्लाई क्या करना है फॉल्स केस, फॉल्स केस में जस्ट कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ अगेन बिगिनिंग ऑफ द लूप मीन्स लूप फिर से एग्जीक्यूट हो, मीन्स इस टाइप से क्या है जस्ट एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम, देन क्लोज दिस फोर लूप को क्लोज कराएंगे। वन मोर केस, फोर लूप के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ दैट प्लेस, लेकिन दूसरा पॉसिबल केस क्या है अगर फोर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है, जैसे फोर लूप के केस में ए ऑफ आई के केस में क्या होता है नल, तो इसका मतलब क्या मिस एक भी मिस एल ओ एक ही बार मैच नहीं हुआ, सबस्ट्रिंग फाउंड ही नहीं हुआ, देन उस केस में कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड लूप, और आउटसाइड लूप जस्ट मैचिंग फाउंड न होने के केस में आप रिटर्न क्या कराओगे रिटर्न माइनस वन। तो माइनस वन कब रिटर्न हुआ जब लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप का कंडीशन फॉल्स होने के इसमें जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे रिटर्न माइनस वन, क्लियर दैट वन। मीन्स दीज आर एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम ऑफ गिवन केस, मीन्स इस केस में जस्ट गिवन लॉजिक्स के थ्रू आपके लिए कोई भी सब स्ट्रिंग या किसी भी सब स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करना पॉसिबल है। जस्ट नेक्स्ट सेशन में सिमिलर टाइप्स में डिस्कस करूंगा लास्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन स्ट्रिंग, सबसे पहले मैंने आपको जस्ट प्रॉब्लम एक्सप्लोर किया था, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था, देन जस्ट लॉजिक्स इंप्लीमेंट कराए थे यूजिंग दैट डायग्राम, देन फ्लोचार्ट डायग्राम अलोंग विद सोर्स कोड, देन सोर्स कोड कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगर इस कोड को टेस्ट करना मीन्स अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस टेस्ट करना है देन इसके लिए जस्ट प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड क्या करेंगे मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट मैंने राइट डाउन किया कोडिंग एज वॉइड मेन फर्स्ट वन प्रिंट एप के अंदर एवरी टाइम मैं कॉल क्या कर लूंगा सर्च फंक्शन प्रिंट एप परसेंट डी, क्यों परसेंट डी क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे रिटर्न क्या हुआ सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स आइदर माइनस वन, देन फंक्शन नेम है सर्च, फर्स्ट केस मैंने स्ट्रिंग पास किया एज अ ऑरेकल, सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में क्यों कंपेरिजन कैसा केस सेंसिटिव, देन सर्च क्या कराया मैंने OR, तो OR किस इंडेक्स में बिगिनिंग इंडेक्स में अवेलेबल है इस पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग
आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, मिस स्ट्रिंग ओ आर का बिगिनिंग सर्चिंग इंडेक्स, तो फर्स्ट प्लेस पर ही अवेलेबल है और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है जीरो, तो इस केस में जस्ट प्रिंट क्या हो जाएगा जीरो, मिस ओ आर। नेक्स्ट केस वी आर टेस्टिंग वन मोर केस, प्रिंट एफ अगेन परसेंट डी स्पेस, देन सेम फंक्शन कॉल करा मैंने सर्च, इन सर्च के केस में नेक्स्ट टाइम मैंने कंपेयरिंग मीन सर्चिंग किसको करना चाहता हूँ, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन के केस में सारे के सारे कैरेक्टर्स अगेन लोअर केस में, मीन से सी बी लोअर केस में राइट डाउन करना, देन ओ आर इन लोअर केस, देन ओ आर अगेन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है कॉरपोरेशन में, लेकिन ओ आर इस केस में टू टाइम्स अपीयर हुआ है, लेकिन रिटर्न क्या हुआ फर्स्ट ऑकरेंस, क्यों जैसे ही फर्स्ट ऑकरेंस मैच हो जाएगा, जैसे ही जे नल को रिप्रेजेंट करेगा देन इमीडिएटली रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कंसेंट होगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, लेकिन इस केस में इंडेक्स वैल्यू क्या है वन, तो नेक्स्ट केस में क्या प्रिंट होगा वन। वी आर टेस्टिंग वन मोर केस, प्रिंट एफ जस्ट परसेंट डी अगेन स्पेस, फंक्शन नेम है सर्च, देन स्ट्रिंग एज हेलो, इस केस में स्ट्रिंग प्रोवाइड किया हेलो और हेलो के अंदर मैं सर्च क्या कर रहा हूँ हेलो, इस केस में मैंने थ्री डिफरेंट केस इसलिए यूज किए हैं कि इस केस में या तो सर्चिंग स्ट्रिंग बिगिनिंग प्लेस पर फाउंड हुआ या एंड प्लेस पर फाउंड हुआ या सम मिडिल प्लेस, क्लियर, मिडिल प्लेस में हो सकता है मल्टीपल ऑकरेंसेस हों, देन रिटर्न क्या करेगा फर्स्ट ऑकरेंस, इस केस में फाउंड एलो अगेन कहाँ फाउंड हो रहा है थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, तो इस केस में रिटर्न वैल्यू क्या आएगा जस्ट 3। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ, अगेन वी आर यूजिंग सेम स्ट्रिंग सर्च देन हेलो, लेकिन इस केस में सर्च क्या कराया स्ट्रिंग एज हाई, हाई इस केस में एज आ सब स्ट्रिंग फाउंड हो रहा है क्या नहीं, अगर कोई स्ट्रिंग मैच नहीं हो रहा है देन कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा आफ्टर ट्रेसिंग कंप्लीट स्ट्रिंग, देन रिटर्न क्या होगा माइनस वन, तो इस केस में रिटर्न जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा माइनस वन। इस टाइप से सेम लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू आपके लिए टेस्ट करना पॉसिबल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझना है देन डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम सभी प्रिंट टाइप के रिस्पेक्ट में आप सेपरेट डायग्राम क्रिएट करोगे, एग्जीक्यूशन डायग्राम, फोर टाइम सर्च फंक्शन कॉल हुआ तो उसका डायग्राम आप फोर टाइम बनाओगे, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम डेप्थ लेवल पर सर्च करना या डेप्थ लेवल पर समझना पॉसिबल होगा।